हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। आज मैं आपके लिए 50 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा रोज़ बोलने के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। मेरा आज अंग्रेज़ी पढ़ने का मन नहीं है। आई डू नॉट फील लाइक स्टडीइंग इंग्लिश टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर गया। ही वेंट आउटसाइड फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ही वेंट आउटसाइड फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। मैं निकम्मा हूँ। आई एम अ गुड फॉर नथिंग। आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं निकम्मा, गुड फॉर नथिंग यानी किसी काम का नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ। I have made a decision. Decision यानि कि फैसला। I have made a decision. वह अपने कमरे में रो रही थी। She was crying in her room. She was crying in her room. Next sentence है, यह जूते उसके हैं। यह जूते उसके हैं। These shoes are hers. These shoes are hers. हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं। Our class consists of 50 boys. Consists of 50 boys. बेहतर होगा कि इस बात को अनदेखा किया जाए। It is better to ignore this point. This point यानी कि इस बात को ignore, अनदेखा कर देना। यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। दिस बाइसिकल इज टू स्मॉल फॉर यू। दिस बाइसिकल इज टू स्मॉल फॉर यू। टू स्मॉल यानी कि बहुत छोटी। तुम लंदन से कब वापस आए। वैन डिड यू गेट बैक फ्रॉम लंदन। गेट बैक यानी कि वापस आना। फ्रॉम लंदन, लंदन से। हर आदमी को खाना बनाना सीखना चाहिए। Every man should learn how to cook. Every man should learn how to cook. कितने सैंडविच बचे हैं। How many sandwiches are there left? या फिर how many sandwiches are left? Next है, वह खबर सुनकर हैरान रह गई। She was very surprised at the news. She was very surprised at the news. उन्हें अपने अकलमंद बेटे पर नाज है। They are proud of their clever son. They are proud of their clever son. आप कोई दिलचस्प किताब पढ़ रहे हैं क्या? आप कोई दिलचस्प किताब पढ़ रहे हैं क्या? Are you reading an interesting book? Are you reading an interesting book? मैं ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हूँ। I am a student at Oxford University. I am a student at Oxford University. वह तो ऐसे बात करती है जैसे उसे सब कुछ पता हो। ये भी हम लोग डेली यूज में काम आता है। She talks as if she knew everything. She knew everything, ऐसे सब कुछ पता हो। तुम कॉलेज जाकर क्या करोगे? What are you going to do in college? तुम कॉलेज जाकर क्या करोगे? What are you going to do in college? उसने फटाफट चिट्ठी का जवाब दिया। He lost no time answering the letter. He lost no time यानी कोई भी टाइम बर्बाद किए बिना। Answering the letter. मैं अपनी वर्तमान आमदनी से संतुष्ट हूँ। I am satisfied with my current income. I am satisfied with my current income. तुम्हारे दिमाग में यह बात कैसे आई? What put such an idea into your head? कैसे आई? What put such an idea into your head? यह कपड़ा बहुत रेशमी है। This cloth is really smooth and silky. This cloth is really smooth and silky. वह मुझे भारत के बारे में कहानियाँ सुनाया करता था। He used to tell me stories about India.
यूज़ टू टेल मी, यानी कि सुनाया करता था। वह दो हफ्तों में अपने आप चला जाएगा। इट विल गो अवे बाय इट सेल्फ इन 2 वीक्स। इट विल गो अवे बाय इट सेल्फ इन 2 वीक्स। इन दोनों में से ज़्यादा महंगा कौन सा है? विच इज़ द मोर एक्सपेंसिव ऑफ द टू। विच इज़ द मोर एक्सपेंसिव ऑफ द टू। हाउ मच टाइम डू वी हैव टू फिनिश दिस वर्क? कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में? हाउ मच टाइम डू वी हैव टू फिनिश दिस वर्क? कितना टाइम हमारे पास है? आपकी घड़ी अब क्या समय बता रही है? वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच नाउ, यानी कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहे हैं? वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच नाउ? मुझे नहीं लगता कल बारिश होगी। आई डू नॉट थिंक डैट इट विल रेन टमोरो। आई डू नॉट थिंक, यानी कि मुझे नहीं लगता डैट इट विल रेन टमोरो, कि कल बारिश होगी। इस परिस्थिति में कठोर कदम उठाने होंगे। द सिचुएशन कॉल्स फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। ड्रास्टिक यानी कि कठोर कदम, मेजर्स। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे कीमती संपत्ति होती है। हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी हैव। हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी हैव। अपना अच्छे से ख्याल रखना। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। वह किताब पढ़ रहा है क्या? इज़ ही रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रहा है क्या? इज़ ही रीडिंग अ बुक। ये क्वेश्चन मार्क है। वे चिड़ियाघर गए थे। दे वेंट टू द जू। दे वेंट टू द जू। वे चिड़ियाघर गए थे। हमारी मुलाकात गलती से हो गई। आर मीटिंग वॉज क्वाइट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल यानी कि अचानक से, गलती से। आर मीटिंग वॉज क्वाइट एक्सीडेंटल। फोन कई बार बजा। द टेलीफोन रैंग सेवरल टाइम्स। द टेलीफोन रैंग सेवरल टाइम्स। तुम्हें इतना जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी। यू डिड नॉट हैव टू कम सो अर्ली। यू डिड नॉट हैव टू कम सो अर्ली। मुझे लगता है कि तुम गलत हो। इट सीम्स टू मी डैट यू आर रॉन्ग। इट सीम्स टू मी डैट यू आर रॉन्ग। सभी लोग आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव इन कम्फर्ट, या फिर एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव कम्फर्टेबल लाइफ। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे फॉलो कीजिए, कर सकते हैं टिकटॉक पर इंग्लिश में सफारा हैश टैग करके। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।